गांवों में जितने जितने गांव ऐसे परेशान हैं, उन सब के साथ इकट्ठे हो, सब मिलो, बात करो, और अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है, बहरी है, तो सुनाएंगे। ऐसा इस दुनिया में तो ऐसा तो कोई केस नहीं कि किसका कोई वो नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग बोलते हो कि हमारा कोई कसूर नहीं है और हमें ऐसे ही डराया जाता है, ऐसा तो मैं सोच नहीं सकती। ऐसा कोई तो पुरानी दुश्मनी होगी। 2 साल 3 साल 200 300, अरे भाई हमारे ट्राइबल लोग तो बरसों की पुरानी निकालते हैं, हजारों साल की। कोई ना कोई तो घटना होगी जो तुम लोगों को परेशान करे। घटना की बात करते हैं, ठीक है? घटना बिल्कुल ही नहीं है, ये है छोटे तो ये छोरी करते हैं, ठीक है ना? हमारे कोई दो होती ये कोई ऐसी घटना की ही नहीं कि हम भी नहीं किए, ये है बाप दादा ने भी निकलते हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने की है, तुम्हारे पूर्वज किसी को लूटते थे? नहीं, यदि नहीं लूटते तो कोई तो होगा बदमाश। बिल्कुल नहीं, कोई हमारे मतलब अरे किसी ने नहीं बताया था क्या? मेरा बाप भी लुटेरा था, क्या बात कर रहा है? मेरा बाप बस्ता मुखी, अगर उसके सामने आगे किसी ने मुंह खोला तो सौले को काट देता था। तो क्या वो लुटेरा हो गया? मगर अपनी बहादुरी बता रहा था। कोई तो बहादुर होगा तुम्हारे यहाँ पे, तो किसी को तो कुछ तो नुकसान किया होगा। तुमको बताया कहीं? पेढ़िया तो बहुत जूनी है बेटे, ऐसा नहीं है। तो अगर छोटी मोटी चोरी करता है वो तो मामूली बात है, लेकिन किसको इस तरह से लूटना और मारना धमकाना पीटना, ये गलत बात है। अगर पीटने के बाद अगर पुलिस नहीं सुनती है तो वो भी गलत बात है। सुनना तो पड़ेगा। हमारी पुलिस भी नहीं सुनती थी। एक बात करूं, अभी वाली घटना का है ये हम बात कर रहा हूं। आपको बात निकाली है तो हम भी थोड़ी सी बात आपको दे देते हैं, क्योंकि आप इतने ही हमारी आए, हम क्या कोई नहीं वो नहीं। इनको बेटी होती वो शिमला भुज पढ़ना ही, कहाँ पढ़ना है? शिमला नहीं, पहले वाली बात तो इनके बेटी होती, यहाँ वो जानते होगा कोई मुंद्रात है वो कुंजान, इनको परिवार में सगाई की, खाली सगाई की तो इसकी बेटी। हाँ, तो ये किया छोरवा, तो इन्हीं छोकरी ने गला में से औसरी काट लिया था इन लोगों ने। हाँ, इन लोगों ने, ठीक है ना? तो औसरी ले लिया। तो फिर वो लोग आते रहे, तो खबर मिली हाँ हमारी छोरी को लूट फाट हुआ। हाँ, तो हम गया चढ़ाई, हाँ ना हम चढ़ाई कर नहीं गया, शिमला भी गया था कि भाई इनको छोरी है या छोरी को लूटी है, इनके जंगल में लूटी है। हाँ, फिर वो बाकरा सराना गई, तो फिर हम गए सॉरी कौन होता तो बस सॉरी क्या मैं ओल किया नहीं होता तो नहीं ओल किया अब नहीं ओल किया तो बस सॉरी हमको क्या कह सकते हैं भाई नहीं ओल किया ठीक है भाई कोई होगा अब इन सॉरी है तो फलाना आता है कि फलाना आता है मैं कोई कह जू नहीं वो डोकरो है कालजी डोकरो बोन गया हारा तो बड़ी सॉरी है मैं कोई कह जू मैं थोड़ा दिन हो जा मैं ही वो मैं के माना उधरा तो सॉरी क्यों वाले नाती भाई हो तो सगाई तो होगा, इसीलिए लूट ली ऐसा बोला। तुम लोगों ने गुजरात से तो फिर इन लोगों ये अंकल जी किया सरुगंज, तो अंकल जी सरुगंज से जीप में बैठे। तो फिर वो भी उन्हीं जीप में इनको खापो वो आप ही गले हो तो भैया इनको इसके बाद में वो घटना था अपनी चल रही थी, जैसे कि ये चोरी फांस दी और हमारे वाले गए वहाँ, चोरी को देख के आए, चोरी को पूछताछ करी, कोई पता चला नहीं चोरों के बारे में, कौन लूट के गया। एक दो महीने हो गए इधर भाई हमारे को लूटे गए, इन लोगों ने फिर हमारे को धमकी दी, आपने चोरी गुजरात में क्यों दी? तो तुम लोगों ने बोला कि तुम ही लोगों ने लूटी है। हाँ, ऐसा हमने तो बोला ही नहीं, बोला तुम्हारी सॉरी वहाँ दी तो हमारे गुजरात में केस हुआ,
उनको पता चल गया होगा ये इधर के ही लोग हो गए। फिर उनका ही नाम कैसे लिखवाया पुलिस थाने में? वहाँ लड़की ने तो पहचाने नहीं, बराबर। फिर इन लोगों का नाम तो लिखवाया होगा, नाम तो लिखवाया होगा। कैसे, क्या सबूत थी उन लोगों? इन लोगों को कोई ना कोई आदमी मिलेगा, फलाना फलाना होता है, कोई ना कोई नाम से तो नहीं पसंद है। अगर किसी ने पहचान लिया, पहचान लिया जंगल में थे, अब दिन की बात है मैम। हाँ तो क्या हुआ? अब देखो साबित हुआ इन लोगों ने वो दागिना ली है, ऐसा साबित हुआ कोर्ट में? नहीं, एक मिनट मैडम, पूरी बात सुनिए। हाँ, तो फिर एफ आई आर दर्ज हुआ, पुलिस स्टेशन करवा दी कोसीना में। फिर इनका इधर से केस हो गया, पुलिस इधर भी आती गई, नहीं करते उनको उतना भी पता चल गया कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो गई गया है। फिर इससे मैं जब 9th क्लास में पढ़ रहा था ना, नवी में, तो जब इधर से आने जाने के लिए गाड़ियाँ का कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैं यहाँ से फिर मेरे मामा जी मेरे कोटड़ा गाड़ी से आए थे, उनके साथ में जब मैं छोटा था 9th क्लास में पढ़ रहा था, तो यहाँ से पैदल हम गए थे, यहाँ बूझा होते हुए डायरेक्ट कुकावास, यहाँ से पैदल पग डंडी से जाती है। तो जाते जाते फिर रास्ते में एक थली करके पहाड़ है, पहाड़ी इलाके में होके ये थोड़ा यूँ है एरिया है, थोड़ा और मकान का ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जा रहे थे आराम से बातें करते करते यहाँ, तो वो लोग एक तो रणिया पिता देवा कुकावास के, और रणिया का छोरा गुलाब रणिया दोनों बाप बेटे थे। तो घाटी में हमारे को देख के कहीं छुप गए होंगे, तो हम तो आराम, हमने तो देखे नहीं, अब देखे होते तो मतलब थोड़े उस हिसाब से देखते देखते चलते हैं। हम तो मामा जी थे इधर के, तो बातें करते करते निकल गए घाटी साइड, घाटी से आगे बढ़ने देखे पीछे से उसने वार किया कि जाने वाले रुक जाओ, कौन हो कहाँ के हो? हम तो मैं पैसा लिए, यार ये तो माता जी तो गुंडे हैं यार, मामा है तो ये मामा गुजरात के इधर भी थोड़े यूँ लोग हैं यार, बेचारे मामा कहीं डर जाएंगे, अब मारेगा तो क्या करेगा यूँ करके। मैंने बोला रणिया कही अब मैं हूँ यूँ, नाम ले लिया तुम। हाँ तो किनका छोरा है? मैं उस चोरे का, उसका मैं छोरा हूँ। तो ये कौन है? तो मेरे मामा ने बोटे नहीं है नाम नानी। तो मामा को पूछा कहाँ जाके आए? तो जमाई के वहाँ गए थे। फिर मेरे बारे में पूछा ये कौन है? तो मेरा भतीजा, मतलब पोता है यहाँ। फिर मेरे को पकड़ लिया रणिया ने, रणिया ने पकड़ लिया। वो छोरे के पास में गुलाब था, तो उनका छोरा बड़ा, उसके पास में सैन थी, तो सैन से मारने के लिए गुलाब को बोल रहा था मेरे को। हाँ, फिर रणिया ने तो मेरा बराबर ही पकड़ा मैडम। तो गुलाब मार रहा नहीं था, गुलाब को एक लपेट झपेट मार दी, मारता क्यों नहीं, मारता क्यों नहीं। गुलाब को मारने के बाद फिर गुलाब के पास सैन ले ली और गुलाब को पकड़वाया, और रणिया ने खुद मेरे को मारा, इतना भयंकर मारा मैडम, हाथ पैर मतलब सूजन आ गई। फिर वहां से मैं, अब क्या बताओ मैडम, इतना मारा जबरदस्त। फिर वहां से हाथों से छूट के मैं वापस रिटर्न भागा, मेरे पीछे इतने तो पत्थर मारे नहीं हो, तो मैं वहाँ से मतलब यहाँ से आपको मैं कैसे बात बताऊँ, यहाँ से मान लो 3 किलोमीटर दूरी की बात है, वहाँ से मैं दौड़ के यहाँ घर पे आया। मेरे घर ये मैडम ये सामने है, बिल्कुल इधर सामने है। अभी क्या हुआ यहाँ से? ये मैडम अभी मारा है, ये भी बात आपको बताते हैं, ये मतलब 2009-10 की बात है। ये बात एक तो ये हो गए, फिर वहाँ से हम यहाँ से दूसरे दिन मेरा एग्जाम था, 2 बजे का टाइम था, फिर हम यहाँ से गए सुबह पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर मैं गया एग्जाम देने, चल तो सकता भी नहीं था, इलाज भी नहीं कराया जैसे कैसे, उस समय ऐसी व्यवस्था थी, तो फिर जाके एग्जाम दे के मैं उधर ही रियाज नहीं करके एग्जाम दे के घर पे आ गया। ये बात तो चलती थी। इसके बाद फिर मेरे ये नाना जी लगते हैं ये तो गुस्सा करके है, ये गए थे सरूपगंज, इधर टाकिया कोई रिलेशन था, इधर गए थे, इधर से आते थे, ये बुलाए बुला से गाड़ी में बैठ के ये आए थे, बुला क्या पता इधर से ये भी आ रहे थे उसी गाड़ी में, वो है ये तो भाई साहब तो आ रहे थे सरूपगंज से, ये भाई साहब सरूपगंज थे के वहाँ से आ रहे थे, और रणिया ने ये इनकी पार्टी एंड पार्टी थी बुला में कहीं गाड़ी उनको गाड़ी में देख के गाड़ी रुकवाई, उसी गाड़ी में वो भी चढ़े, गाड़ी में बातें करते करते नारे थे, इनको यूँ जमाई जमाई करते हैं, खापा इनका उतरना था, वहाँ उतरने नहीं दिया, गाड़ी में पकड़ लिया, अंदर बैठी हूँ, और गाड़ी वाले को ड्राइवर को एक गोदा मारा, गाड़ी सीधी आगे यूँ करके उनको ले गया घर पे, घर के सामने बढ़ ली है, वहाँ उनकी पूरी टीम के साथ में वहाँ ले जाके उनको ऊपर बांध लटका के मुझे माथे से फिर उनको मारपीट करी, इतनी भयंकर मारपीट करी
कि न जाने इनकी जान ही चली जाती मैडम उस समय, इतना भयंकर मारे। ये सब आपने पुलिस को बताया? फिर मैडम पुलिस को भी बताया, फिर मार मार के थक गए। ऐसी हालत में उसको मारा, आपको मारा, तो ऐसी हालत में आपने पुलिस बताया? एसपी तक बताया इनको, दवाखाने में नहीं ले गए, हमारे पास वो भी रिपोर्ट अभी पड़ी थी, पर वो तो इनके बाद फिर मतलब तुम्हारा कहना मतलब है कि पुलिस सुनती तो है, सुनती तो है मगर कार्रवाई नहीं करती है। ये बात इनके बाद वो तो थक गए मैडम, फिर उसको शाम को 6 या 7 बजे अंधेरे पड़ने के समय में उसको छोड़ दिया वहां से। अब तू जाए, अब उनके तो हाथ पैर तलिया वलिया तोड़ दिए, कैसे करके अभी तो घायल हो गया पूरी तरह से। वहां से इतना दूर 50 मीटर की परिधि में नहीं गया ना, अभी तो गिर गया ना। फिर किसी दूसरे लोगों ने देखा, न्यू करते करते हमारे गांव तक सूचना पहुंच दी। फिर ये अंकल जी गए न्यू करके, वहां से गाड़ी करके लेके आए, फिर वापस थाने में गए, वहाँ एफ आई आर दर्ज कराए, वहां से कोटड़ा के एमओ करवाया, पोस्टमार्टम कराया, फिर इसके बाद रिपोर्ट में रिपोर्ट एस पी डिप्टी साहब को दी, रिपोर्ट दी एस पी को दी, कलेक्टर तक पहुँच गए। ये बात 8 साल पहले की बात है मैडम, और ऐसी की ऐसी घटना हमारे होती ही रहती है, मारपीट होती है।